अब हम आपको बॉलीवुड के उन सितारों के नाम के बारे में बताते हैं जिन्होंने तलाक लिया है। फरहान अख्तर। फरहान ने 2016 में पत्नी अधुना को तलाक दिया था, जिसके बाद इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि एलिमनी कितनी दी गई थी, लेकिन फरहान ने अधुना को एक बंगला दिया था जिसका नाम विपाशना है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा था कि तलाक के बदले में रकम भी मांगी गई थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादियां जितनी चर्चा में रहती हैं, तलाक उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। कई बॉलीवुड सितारे हैं जिन्होंने तलाक के बदले अपने पार्टनर को मोटी रकम चुकाई। ऋतिक रोशन का नाम भी इसमें शामिल है। ऋतिक रोशन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से अब तक का सबसे महंगा तलाक लिया था। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक ने जब सुजैन से 14 साल पुरानी शादी तोड़ी थी तो 2014 में उन्होंने 380 करोड़ रुपए की एलिमनी दी थी। अब नाम आता है सैफ अली खान का। सैफ अली खान ने खुद से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी करके सबको चौंका दिया था। इसके बाद इनके दो बच्चे हुए थे जिनका नाम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान है। शादी के 13 साल के बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफ ने अमृता को तलाक के बदले 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब नाम आता है संजय कपूर का। बिजनेसमैन संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से शादी की थी लेकिन ये नहीं टिक पाई और दोनों ने तलाक ले लिया था। संजय ने तलाक के बदले करिश्मा को एक घर और दोनों बच्चों के नाम 14 करोड़ के बॉन्ड दिए थे। इन्हीं में संजय दत्त का नाम भी शामिल है। संजय दत्त ने पहली पत्नी रिचा की मौत के बाद रिया पिल्लई से शादी की थी जिनसे उन्होंने 1998 में तलाक ले लिया था। एलिमनी के तौर पर संजय ने 1C फेसिंग अपार्टमेंट और कार रिया को दी थी।